चुका चुका मेडगार्ड पीपुल्स वॉइस। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने 2022 में ब्राह्मण सम्मेलन करवाने की होड़ मची हुई थी। एक तरफ अखिलेश यादव लगातार कह रहे थे तो दूसरी तरफ मायावती जी भी। मायावती जी ने भी कहा था कि सरकार में आई तो बड़ी परशुराम जी की मूर्ति लगाएंगे, और अखिलेश यादव ने भी कहा कि उनकी सरकार बनी तो परशुराम जी का पर्चा लगाएंगे, मूर्तियां लगाएंगे। लेकिन अब समय बदल चुका है। 2022 में आए चुनाव नतीजों के बाद अखिलेश यादव और मायावती जी समझ चुके हैं कि ब्राह्मण समाज उन्हें वोट नहीं देगा। वो बीजेपी के पास जा चुका है और इस वक्त वो बीजेपी के साथ लामबंद है। ऐसे में उनका वोट हमें देने का बिल्कुल भी सवाल पैदा नहीं होता। यही वजह है कि अखिलेश यादव लगातार ओबीसी समाज और दलित खासतौर से पिछड़े लोगों को अपनी टीम में शामिल करने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। अखिलेश यादव की तरफ से हाल ही के अंदर करीब करीब 50 से ज्यादा लोगों की राष्ट्रीय टीम है वो जारी की गई है। 40 से 50 लोग शामिल है। तो इस लिस्ट के अंदर सबसे ज्यादा अगर हम निगाहें डालेंगे तो यहां पर ठाकुर एक भी नजर नहीं आएगा। केवल मात्र एक ब्राह्मण को जगह दी गई है, बाकी तमाम उन्होंने ओबीसी एससी एसटी और मुस्लिम समाज के लोगों को जगह इसके अंदर है वो ज्यादातर दी है। साथ ही बहुजन समाज पार्टी छोड़कर जो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे उन लोगों को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, लालजी वर्मा, रामचल, राजभर, इंद्रजीत सरोज, ऐसे बहुत सारे नेता है जिनका बीएसपी से बैकग्राउंड रहा है, उनको भी इसमें जगह दी गई है। तो यानी कि इस वक्त अखिलेश यादव बहुजन समाज यानी 85 और 15 की जो लड़ाई है वो एक बार फिर से यहाँ पर आगे रखकर लड़ते नजर आ रहे हैं। साथ ही यादव समुदाय और यादव परिवार अपने खुद के कुनबे को भी उन्होंने इस टीम में बहुत जगह दी है। लेकिन यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, और ऐसे में लग रहा था कि रामचरितमानस के चलते स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी बाहर कर देगी। लेकिन अब समाज में स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी के द्वारा राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है, और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जो खबरें टीवी पर चल रही थी कि मैं अखिलेश से नाराज हूं या अखिलेश मुझसे नाराज है वो पूरी तरीके से गलत है। मैं और अखिलेश यादव पूरी अच्छी तरीके से समझते हैं। साथ ही अखिलेश यादव के भी 2-3 वीडियो ऐसे वायरल हो चुके हैं जिसमें अखिलेश यादव रामचरितमानस को कहते दिखाई दे रहे हैं कि मैं तो शुद्ध हूं, ना मैं धर्म के बारे में जानता हूं ना ही रामचरितमानस के बारे में जानता हूं। तो कई चीजें यहां पर साफ नजर आती हुई कि अखिलेश यादव यहां पर पूरी तरीके से लोहिया और अंबेडकरवादी जो राजनीति है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, और जो बिहार के अंदर उन्होंने देखा उसी फॉर्मूले को यहां पर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और खास तौर से जाति जनगणना उत्तर प्रदेश में भी करवाने की उनकी एक तरीके से आगे की मुहिम मानी जा रही है। मिलेंगे अपडेटों के साथ, अब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना।